क्रिकेट का जो सबसे बड़ा मेला है जो भारत में होता है फ्रेंचाइजी लीग, वो आज से शुरू हो रहा है। और आपको बता दूं कि ये अभी चलेगा और इसका जो समापन है वो 28 मई को होगा फाइनल के साथ। और जो पहला मैच है वो डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात की टीम खेल रही है और उसका मुकाबला चेन्नई की टीम से है। सभी जानते हैं कि धोनी चेन्नई की टीम के कप्तान हैं, तो उन पर हम आज बातचीत करेंगे, इस मैच पर बातचीत करेंगे और सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीरज हैं। नीरज, ये जो शुरू हो रहा है जिसमें कि गुजरात और चेन्नई का आज पहला मुकाबला है, पहली बार मतलब पिछले कुछ सालों के अंतराल के बाद होम और अवे का फिर से ये शुरू हो रहा है कि टीमें एक मैच अपने घर पे खेलेंगी और एक बार फिर अपने प्रतिद्वंद्वी की टीम के घर पर जाकर खेलेंगी। ये चीज़ें कोविड की वजह से पिछले कुछ सालों से बंद थी, तो ये रूल फिर से शुरू हुआ है। एक बार जो बायो बबल होता था वो अब नहीं होगा, तो कुछ चेंजेस जो है इस बार हम इस क्रिकेट के महामेला में देखने जा रहे हैं, तो क्या लगता है इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, असर तो पड़ेगा, क्योंकि पिछले बार हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिबंध था, क्योंकि कोविड का समय था, लोग हर एक जगह ट्रैवल नहीं कर सकते थे। और जैसे आपने बताया कि बायो बबल का एक जो दायरा बनाया गया था कि उसमें ही खिलाड़ियों को रहना होता था और किसी के कांटेक्ट में वो नहीं आ सकते थे, तो ये एक प्रतिबंध था और रिस्ट्रिक्शंस था। लेकिन इस बार वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं। 7 जो गेम्स हैं वो अवे गेम्स खेले जाएंगे और 7 गेम्स होम में खेले जाएंगे। तो इससे एक है कि लाभ मिलेगा, अगर आप होम में खेल रहे तो बिल्कुल जो होम का जो सपोर्ट होता है टीमों को, क्योंकि टीम आती है और आपका जब टीम का मनोबल उसी में बढ़ता है, क्योंकि जो सपोर्टर्स आते हैं आपके टीम को चेयर अप करते हैं, तो खिलाड़ी भी जो रहते हैं वो भी अपना दमखम दिखाने का प्रयास करते हैं, अपना जो परफॉर्मेंस है वो उच्च स्तर पर ले आने का प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल इससे जो है एक सपोर्ट मिलेगा। और इस बार जो पिछले बार के मुकाबले की बात कर ले और इस बार के मुकाबले, तो काफ़ी मजबूत देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, एक पुराने रूप में जब आप देखते हैं जिस रूप में ये शुरू हुआ था, एक जो वो चीज़ें होती हैं कि आप एक बार दोनों को बराबर का एक मौका मिलता है कि आप एक अपने दर्शकों के सामने खेलते हैं। और देखिए, ये बड़ी बातें होती हैं, जैसे धोनी प्रैक्टिस के लिए जब चेन्नई में उतरते हैं और जो वो शोर वहाँ पर होता है वो उसका एक अलग आनंद है। और क्रिकेट इन्हीं सब चीज़ों से इतना लोकप्रिय बना है, और या अगर हम इस लीग की बात कर लें तो वो इतना लोकप्रिय इसलिए बना है क्योंकि दर्शकों का बहुत प्यार मिला है। बहुत सारे नियम भी इम्प्लीमेंट हुए हैं, जैसा कि इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया है, उसका कितना असर होगा, कुछ उसके फेवर में है, कुछ उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, कुछ का कहना है कि इससे नुकसान होगा, जो पार्ट टाइम बॉलर्स टाइप के जो ऑलराउंडर होते थे उनके लिए नुकसानदेह है, दूसरी तरफ कुछ लोग इसके समर्थन में हैं। ये बातें चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। तो ये नया रूल है, पेनल्टी का एक शुरू हुआ है कि 5 रन पेनल्टी आपको मिलेगा अगर कोई भी टीम जो है ड्यूरिंग बॉल, अगर विकेटकीपर या फील्डर जो है इस तरह की मूवमेंट्स दिखाता है जो कि लीगल नहीं है, तो 5 रन पेनल्टी फील्डिंग टीम को लगेगा और वो गेंद को डेड घोषित कर दिया जाएगा। तो कुछ नियम भी चेंज हुए हैं एक रूल से, तो अब सभी वाकिफ हैं कि अगर आप निर्धारित समय में 20 ओवर नहीं फेंकते हैं तो फिर आप 4 ही फील्डर बाहर रख सकते हैं। तो ये सारे रूल शुरू हो गए। लेकिन हम सीधे मैच पर आते हैं और मैच गुजरात और चेन्नई के बीच में है। धोनी आपको चेन्नई के कप्तान हैं और हार्दिक पांड्या जो हैं वो आपको क्या कहते हैं गुजरात के कप्तान हैं। हम सभी जानते हैं कि हार्दिक धोनी को अपना मेंटोर मानते हैं, तो ये गुरु चेला की लड़ाई है, तो इस चेला गुरु की लड़ाई में क्या लगता है? देखिए, अगर पिछले सीज़न की बात कर ले तो पिछले सीज़न में क्योंकि गुरु और चेला का 2 बार आमना सामना हुआ और दोनों बार गुजरात विजयी रही, टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि हार्दिक पांड्या के जो प्रतिनिधित्व है उसके प्रतिनिधित्व में पूरा जो टीम है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और यही वजह था कि टीम पिछले सीज़न में विजय हासिल की और विजेता बनी। तो कह सकते हैं कि जो हार्दिक पांड्या की जो टीम है गुजरात, उनका पलड़ा भारी है। और क्योंकि टीम का जो जितने भी प्लेयर्स की बात कर ले काफ़ी फॉर्म में थे, लेकिन इस बार देखना होगा, क्योंकि गुजरात
के कप्तान जो हार्दिक वो फुल टाइम कप्तान रहे थे शुरू से, लेकिन हम लोग चेन्नई की बात कर ले तो चेन्नई में कप्तानों की फिर बदल होती रही, तो वो भी एक मसला रहा था चेन्नई के साथ, लेकिन इस बार वो मसला कहीं ना कहीं साइड हो गया है क्योंकि धोनी फिर से कप्तान बन गए हैं। तो मसला है अभी नीरज, जो खबर आ रही है वो ये खबर आ रही है कि महेंद्र सिंह धोनी के लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है, और इस वजह से जो थर्सडे मतलब गुरुवार को जो प्रैक्टिस सेशन हुआ वहाँ पर धोनी ने बैटिंग नहीं की। तो एक अब ये अनुमान लगाया जा रहा है और इस पर अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या धोनी पहला मैच खेलेंगे, ये भी सवालों में अब आ चुका है। हालांकि जो चेन्नई के ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि नहीं, धोनी 100% खेलेंगे, और मुझे लगता है कि अगर वो खेलें तो ये एक जो शुरुआत जिसकी की उम्मीद सभी करते हैं कि इतने बड़े लीग की शुरुआत हो रही है तो वो मिल जाएगा और खेलें तो एक बराबरी का मुकाबला जो है हमें देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए चेन्नई की टीम भी कमज़ोर नहीं है, जैसा आपने कहा ना कि गुजरात का पलड़ा भारी है, युवाओं से भरी टीम है, और विलियमसन के आने से निश्चित तौर पर गुजरात जो है मजबूत हुई, एक अस्थायी तो जो उन्हें मिडिल ऑर्डर में चाहिए था, जो किसी टैंकर के रोल में एक बैटर चाहिए वो वहां पर उनको अब उपलब्ध हो गया है विलियमसन के रूप में। लेकिन आप अगर चेन्नई की टीम को देखें तो वो तो भाई जबरदस्त टीम है। अगर आप नाम देखें, खुद महेंद्र सिंह धोनी इतने बड़े नाम हैं, रविंद्र जडेजा हैं, बेन स्टोक्स हैं, तो नाम आप देखते चले जाएं, मोइन अली हैं, अंबाती राइडू जो कि इस लीग में अक्सर अच्छा परफॉर्म करते ही करते हैं, तो वो हैं, दीपक चाहर की वापसी हो रही है, सेंटनर इतने कमाल के स्पिनर हैं, तो टीम बहुत स्ट्रांग है और इसमें है। लेकिन आप गुजरात की टीम को भी कम नहीं आंक सकते, जैसा आपने कहा कि वहाँ पर शमी जैसा गेंदबाज है जो कि विकेट टेकर है, इम्पॉर्टेंट तो ये होता है कि विकेट कौन निकालता है, राशिद खान है, तो उनकी भी टीम को आप कमज़ोर नहीं आंक सकते। शिवम मावी के रूप में एक अच्छा ऑलराउंडर है, जोसेफ हैं जो कि वेस्ट इंडीज़ के बॉलर हैं, तो इस तरह से देखें तो एक मुकाबला बड़ा नज़दीकी लग रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि ये मैच भी हो रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ये मुकाबला होगा, तो होम मैच है गुजरात के लिए और चेन्नई के लिए ये अवे मैच है, तो इसमें जो है मुकाबला हमें लगता है कि बड़ा ही दिलचस्प होने की उम्मीद है। बिल्कुल दिलचस्प, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि पिछले सीज़न जिस तरह से कोविड का समय था तो कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही मैचेस की गई थी, लेकिन इस बार है कि 7 गेम होम है और 7 गेम हम अवे है, तो सभी को अपने अपने होम गेम पे एक सपोर्ट मिलेगा, और पिछले जो सीज़न का एक्सपीरियंस है, जो कमियां रह गई थी टीमों में, उस कमियों को उभार पाते हुए वो मजबूती से सामने आएंगे और अपना टीम का प्रदर्शन दिखाएंगे। और जिस तरह से हम लोगों ने बात किया धोनी की टीम का, चेन्नई का, जिस तरह से आपने ये भी कहा कि अभी ये भी संदेह है कि टीम में रहेंगे नहीं रह पाएंगे, उसमें भी संदेह है, हालांकि आज पता चल पाएगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि धोनी के बाद जो है कोई वैसा चेहरा हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है कि जो टीम की मेजबानी कर सके, क्योंकि पिछले बार फिर अगर उनकी जगह कप्तानी की बात हो रही है, हालांकि वो कप्तान अभी घोषित नहीं है, लेकिन रविंद्र जडेजा हैं और बेन स्टोक्स खुद इंग्लैंड टीम की कप्तानी करते हैं, तो उनके पास भी ऑप्शन की कमी नहीं है। और ये हमने देखा है कि चेन्नई एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स पर दांव लगाना पसंद करती है, अगर हम उनकी हिस्ट्री को भी देखें तो वो सारे एक्सपीरियंस जो है यहाँ चेन्नई की टीम में दिख रहा है, तो एक तरह से ये मुकाबला एक्सपीरियंस वर्सेस जो यंग एनर्जी होती है उन दोनों के बीच भी है। क्योंकि पिछली बार की ही बात कर ले हम लोग एक्सपीरियंस, क्योंकि रविंद्र जडेजा शुरू से टीम से जुड़े हुए हैं, अब यही नाते उनको कप्तानी दी गई थी, लेकिन रविंद्र जडेजा के वजह से ना टीम की परफॉर्मेंस हो पाई, ना रविंद्र जडेजा ने खुद का परफॉर्म किया, तो सवाल उसको लेकर भी उठते रहे, और नतीजा ये हुआ कि आखिर में कप्तानी धोनी को देनी पड़ी, क्योंकि टीम में तो अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, धोनी भी उतने खास नहीं चल पाए, लेकिन जब धोनी को कप्तानी मिली तो टीम को एक मनोबल जो कह सकते बढ़ा, और टीम उसके बाद एक दो जीत हासिल की, तो ये कह सकते हैं कि धोनी के जाने के बाद जो है चेन्नई कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई दिखती है। तो आपको लगता है कि आज के मैच में गुजरात फेवरेट या चेन्नई? देखिए फेवरेट तो पता चले मैच के बाद ही, लेकिन जो कह सकते हैं कि जो यंग प्लेयर्स की जैसे आपने बात की, श्रीकर भरत है जो कि अभी टीम इंडिया में भी खेल चुके हैं, अल्जारी जोसेफ है जो कि अभी साउथ अफ्रीका में मैच हुआ था वेस्ट इंडीज़ का, T20 जो लीग हुआ था उसमें
अल्जारी जोसेफ का अच्छा हम समेटें और बहन से पूछे कि भाई फेवरेट कौन है, एक एक विनर आपको चुनना हो, किसे चुनेंगे? देखिए मैं तो चुनूंगा कि जो यंग प्लेयर्स है, क्योंकि लंबा समय बीत चुका है, तो यंग प्लेयर्स की जो ब्रिगेड होगी मैं उसी ब्रिगेड को चुनूंगा। मतलब गुजरात, कह सकते हैं कि गुजरात को ही चुनूंगा। तो वो नीरज को लगता है कि गुजरात वो आज का मुकाबले में हॉट फेवरेट है, वो जीतेगी। और जब इन्होंने कह दिया गुजरात, तो चलिए मैं कह देता हूँ धोनी के साथ मैं जाना चाहूँगा, मैं चेन्नई कह देता हूँ। तो देखते हैं कि चेन्नई मुकाबला जीतती है या गुजरात की टीम जीतती है, गुरु गुरु साबित होता है या चेला चीनी बन जाता है, ये आज पता चल जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच है बैटिंग के अनुकूल है, ये हाई स्कोरिंग मैच होगा, आउटफील्ड फास्ट है तो रन बरसेंगे मुझे लगता है। वैसे एक डर ये भी है कि कहीं आसमान से भी बारिश ना हो जाए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये पहला मैच है तो ऐसा कुछ विघ्न न पड़े, पूरा मैच देखने को मिले, लोग इसका भरपूर आनंद लें। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और कुछ उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।